तो गाइज अभी पार्किंग में आए हैं हम और यहाँ पे चल रही है स्कूटी की क्लीनिंग। क्लीनिंग तो कर ली थी इन्होंने सुबह, गाड़ी और स्कूटी दोनों क्लीन किए थे, वॉश किए थे। सो अभी ये पॉलिश वगैरह मार रहे हैं, स्प्रे पॉलिश। और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, चले वो फॉर्म वाली मार दो, इसके बाद ये मार दो। बट ये कि रेगुलर यूज सही नहीं है, पेंट को नुकसान देता है। ये तो मैं लेके आया हूँ, इसलिए मैंने चला। आप रेगुलर करते भी नहीं हो, डेली डेली कहाँ करते हो। मैम का कोई मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल की टीचर दक्षु की, स्कूल की मैम का, तो अभी पहले वो चेक कर लेते हैं। तो जी, दक्षु के व्हाट्सएप स्कूल की मैम ने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजा है कि दक्षु के स्कूल में, मतलब जैसे बच्चों का बर्थडे वगैरह होता है ना, बच्चे स्वीट्स वगैरह ले जाते हैं, तो स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, नो गिफ्ट्स एक्सचेंज, नो स्वीट्स, कुछ भी नहीं। सो ये मैसेज आया है स्कूल की मैम का, और ये चीज़ बहुत अच्छी है कि बच्चे नहीं तो ना एक दूसरे को देखा देखी मुझे स्वीट चाहिए, और बच्चे मतलब बोलते हैं कि पेरेंट्स को ज़िद करते हैं मुझे गिफ्ट लेके जाना है, उसका बर्थडे है, उसका बर्थडे है, या फिर स्वीट्स लेके जानी है, पैकेट लेके जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो उस चीज़ का मैसेज आया है मैम का कि स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, ओनली फुल स्कूल यूनिफॉर्म में आओ बच्चे, बस और कुछ। बताइए क्या बोल रहे हो आप। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये मैंने बनाया जुगाड़। क्या चीज़ है, क्या चीज़ नजर तो झाग ही झाग आ रही होगी ना फॉर्म। हाँ, पानी ये जो चीज़ है ना, बाद में बताऊंगा अगर काम कर गया तो। अच्छा, बाद में इसलिए बताऊंगा, पहले बता रही हो, बेइज्जती होगी, काम भी नहीं होगा अभी पता लग जाएगा। पहले एक्सपेरिमेंट का फायदा ही तब होता है ना, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर लो फिर आप बताओ, अगर यूजफुल है तभी तो बताओगे ना, यूजफुल अगर रहा तभी बताओगे ना। ऐसे बताने का फायदा भी कोई नहीं। बहुत गंदी हो रही है, बहुत ज्यादा, और ड्राई क्लीन का रेट कम से कम भी 1200-1300 रुपए के आसपास होगा। मैं इस जुगाड़ से देख रहा हूँ, अगर सिर्फ आधी सीट करूँगा, आधी सीट करके ये है कि आगे आगे बरसात का टाइम है, सूखने में टाइम लगेगा। ये है कि आधी सीट से पता लगेगा कि फर्क है या नहीं है। अच्छा, ये जो स्टेन वगैरह लगे हुए हैं, जब सूखेगा फिर पता लगेगा कि हाँ फर्क पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है तो फिर एक दिन पूरा इसको निकालूंगा मैं और सारी सीटें खुद ही करूँगा। अच्छा, मतलब जैसे बाहर ड्राई क्लीन कराते हैं तो वो कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैंने डाला इजी, पानी बिल्कुल कम, झाग ज्यादा होनी चाहिए, तो झाग झाग ही लगा रहा हूँ मैं, इसे पानी नहीं लगा रहा। मतलब ड्राई क्लीन का खर्चा बचा रहे हो। इधर है स्टेन्स लगे हुए, इधर देखो, इधर कैमरे में भी कैप्चर हो रहे हैं, इस लाइन में बहुत डार्क स्टेन है। मामा मुझे तो जाने दो, तो टाइम पे मैं जाइए। बोला था वो ले आओ, वो बाल सुखाने वाला, एक सेकंड में पता लग जाता। कहाँ से लगाओगे, कहाँ हर प्लेयर है, उसी टाइम सूखता, स्मेल नहीं आती। मेरे को लग रहा है काम करेगा ये। वो इतना गर्म थोड़ी होता, वो तो मेरा छोटा वाला ड्रायर है। मैंने भी कोई पानी थोड़ी डाला, झाग ही डाली। पानी भी है यार, उतना नहीं है, थोड़ा सा तो पानी चाहिए भी। चलो करो फिर, दिखाते हैं गाइस को कहाँ पे है। देखो देखो लबो, क्या है लबो, देखो देखो लबो लबो, ये लो जी, यहाँ पे कपड़े सुखा रखे हैं गाड़ी के, गीला है। लो दक्ष देना पापा को, पापा सब लोग मेरे बंदूक देना। वो मार के मैं सिर्फ पानी से हल्का हल्का अंदर जो सर्फ गया वो निकालूंगा, जाग गई है।
स्ट्रेन्स निकले या नहीं निकले वो तो तब पता चलेगा ना जब वो पूरा प्रॉपर सूख जाएगा। गीले गीले में नहीं लगता। गाइस ये दक्ष ये लड़का है ना ये बच्चा बहुत खराब है। भाग गया भाग गया भाग गया। पापा से डांट सुनेगा अभी ये। देखा पापा से डांट सुनेगा अभी ये। हटो देखो पापा क्या कर रहे हैं। आधी आधी सीट पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये। पूरी गिल्ली करके रखती सीट फैब्रिक वाली है तो ही करना। जिसपे फैब्रिक है लेदर पे ब्रश मत मारना। हाँ लेदर तो फिर लेदर पे तो वैसे ही नहीं। कई सीटें ऐसी होती हैं जिसमें ऐसे लेदर होता है और बीच में फैब्रिक होता है। अच्छा हाँ हाँ हाँ। बट अगर प्रॉपर पूरा लेदर है फिर तो उस पर तो स्टेन वैसे गीले कपड़े से ही साफ हो जाते हैं। उसमें तो जरूरत ही नहीं होती ड्राई क्लीन की। कपड़ा देना कपड़ा दे मेरा। कहाँ है? आपको दिया था मैंने पहले रब करना। हाँ दबा के साथ में जाल साफ हो जाएगा। लेकिन इसमें ना बहुत ज़्यादा है वो फॉर्म फॉर्म सी निकल रही है वाइट वाइट। ये देखो जितना दबा रही उतनी बन रही है। हाँ अब हुई साफ जिस साइड से साफ कपड़ा। हाँ अब हुई अब निकली। मैं भी गाई हूँ एक। जिस साइड से साफ कपड़ा लगाओगे ना पलट पलट के देखो इधर इधर है अभी इधर है इधर रब करो। गाइस सुनो एक मैं भी गाई हूँ और इधर रब करो इधर वाइट वाइट है। हाँ जी ये देखो निकल रही है ना। हाँ हाँ ऐसे दबा के अभी भी है झाग जहाँ वाइट आना खत्म हो गया समझो क्लीन हो गई। सर ऐसी बात नहीं गाइस सुनो अब तो बाहर निकल जाओ। गाइस यहाँ पे पहले ना ऐसे स्टेन लगे हुए थे ये देख रहे हो। अभी इधर क्लीन नहीं किया अभी सिर्फ हाफ सीट पे करके देख रहे हैं। इधर ये क्लीन हो चुका है। सी द डिफरेंस यार ये ना धूप में बरसातों के बिना करने वाली चीजें हैं ये। अभी से आप कर रहे हैं तभी तो कह रहा था स्मेल आएगी लेके आता हूं पर नहीं आएगी। अगर मेरी बात मानते ना स्मेल भी ना आती हल्की हीट लगती उसके बाद अपने आप सूख कर रहा था। अब गाड़ी चलेगी ना खड़ी थोड़ी करनी है हमें एसी भी लगेगा। अरे प्रेस लगाते हैं या प्रेस मार दो। अच्छा बहुत अच्छी बात है। वो ड्रायर छोटा वाला बड़ा वाला नहीं नहीं बहुत है इतना हीट गाड़ी के अंदर हीट भी काफी है। से गर्मी ठंडा ही तो लेके आई हूँ। तुम पापा को मोटोरोला का फोन मिलेगा। अच्छा अपना फोन के बिना दो दिन जो आपने निकाले उसका एक्सपीरियंस तो बता दो। चैन वाला चैन वाला ओ रान दो बिल्कुल चैन वाला मेरे को पता है। रहने दो बिल्कुल चैन वाला बिल्कुल चैन वाला नहीं है बेटा। टेंशन पता कितनी है आपको। हाँ, चैन वाला है हाँ। पर है बिल्कुल उसके बिना चैन है। हाँ, चैन वाला नहीं है। ये सही देख रहे हो ये मैं गड्ढे में चला लेता हूँ। हेयर ड्रायर लेके आई थी मैं काम आया नहीं यहाँ पे क्योंकि जिस साइड गाड़ी खड़ी है ना वहाँ वाले सॉकेट में कनेक्शन ही नहीं है। तो इस साइड का जो सॉकेट है ना गाड़ी जहाँ पे खड़ी है वहाँ कनेक्शन नहीं दे रखा। उधर भी नहीं है हमारी स्कूटी वाली साइड कनेक्शन है बट गाड़ी उठा के इधर तो ला नहीं सकते है ना भाई। और इसकी वायर छोटी है वो वहाँ से वहाँ जा नहीं सकती तो इसीलिए हेयर ड्रायर का काम हो गया कैंसिल। तो चलिए अब अपने अपने घर को हो लीजिए चलिए। हाँ पीछे का उधर का खोल दो इधर का खोल दो थोड़े थोड़े खोल दो है ना। उसको कह रहा हम पैकिंग करते हैं उसकी मुझे नहीं पैकिंग कर आ गया।
ये मोटोरोला का मैं ही खोदूंगा, मैं खोदूंगा। दक्षिण दक्षिण के हाथ से खुलवा, बैठ के नीचे बैठ के। वो क्या क्या नहीं खोलो ना तुसी। जा दशु दशु देख चाचू चाची का रबर बैंड पहन के आए हैं हाथ में। आई विल लाइट जलाओ नहीं आ वो नहीं पसंद होने नू। अब फोन देख गया ना नया नया न्यू न्यू कितना छुपाया हुआ है। देखो चोर देखो आपके पीछे चोर बैठा है। क्यों रखा है चाचू ने ऐसे हाथ? फोन फोन इसने जैसे रुक जा यार ना कुछ देंगे अभी सारी स्पेसिफिकेशन। दक्षू पसंद आ गया आपको? हेलो मोटो अरे कलर कितना प्यारा है फॉरेस्ट ब्लैक ए हुंदा नहीं फॉरेस्ट ब्लू ए हुंदा है जंगली मेनू नहीं सी पता जंगली नीला फॉरेस्ट ब्लू मेरा हो गया अच्छा ही है तो बहुत सुंदर है बहुत प्यारे है दक्षु। अब कोई तो कवर भी आया है कवर बैग आया सब फोन ही अंदर। अब ये बताओ इसको कितने वोल्ट है? 80। अब कितना हो गया? हां हां शराब पी के लाओगे तो डबल चार्ज। मैं नहीं रहा तो गंदी स्मेल होएगी। दक्षिण अच्छी स्मेल है सेम पोंचू भी आएगी सच्ची सेम पोंचू भी आएगी। अच्छा अच्छी है। कई बारी ना गंदी एक कई बारी गंदी एक कई बारी लो वाओ कवर देख दक्षु निशान पड़े हुए एक्सीडेंट वाले लगा रहा है वो कवर लेकिन कवर से ना इसका वो कलर है ना छुप गया। हिंदी क्या बोल रही है नहीं बस हो गया केला खत्म। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक। सो गाइज अभी मॉर्निंग हो चुकी है। दक्षु भी उठ गया है न्यू फोन पापा का लेके। पापा ये रे काम पे जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। ओ वाओ मैजिक ये मेरे पीछे पड़े हैं हमें आगरा ले जाओ आगरा ले जाओ बताओ। तो गाइस मेरी बात सुनो मैं ये बोल रही थी कि रात को ना एक्चुअली व्लॉग अरे वाह दक्षु फ्लैशलाइट से बड़ा अच्छी वो आ रहा था वाह कितना क्लियर आ रहा है। सो रात को फिर मैं व्लॉग को आगे कंटिन्यू कर नहीं पाई। फोन न्यू फोन आया बस फिर इसकी पार्टी में लग गए। तो यहाँ पे ना एक्चुअली लाइट कम है इस वाले रूम में तो इसीलिए थोड़ा ऐसा आ रहा है क्वालिटी व्यू। एंड बस फिर रात को व्लॉग कंटिन्यू किया नहीं मैंने ऐसे खाने पीने में फिर बिजी हो गए खाना वाना बनाया ये सारी चीज़ें। और आजकल मेरे पति देव तो डाइटिंग पे चल रहे हैं रात का खाना इन्होंने बंद कर दिया है लेकिन फिर अटरम शटरम कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं।
तो अच्छा, मैं अपने हस्बैंड का रिव्यू लेना चाहती हूँ फोन को लेके। फोन के बिना उनकी जिंदगी क्या आती है और फोन के साथ। हाँ जी बताओ। दो दिन फोन का चैन था जिंदगी में, बस ये है कि ले इसको खरीदना और रखना मजबूरी है क्योंकि सारा काम ही इसी पे है। अगर फोन का काम ना होता आज की डेट में तो फोन रखते आप? अगर फोन के बिना काम चल पाता तो मैं ये कभी चीज रखता ही ना अपने पास। और दो दिन इतना मैं सुखी रहा। गाइस सुनो, इसकी सुन लो पहले। बस हाँ इतना है कि जब कहीं यूपीआई का चीज ओटीपी फोन पे सब कुछ, कार्ड भी चलाओ उसका कार्ड का मुझे एटीएम कार्ड का, और अगर मैं वो भी चेंज करता तब भी इस पे ओटीपी आती सिम। और इसका फोन जो है ये चाइनीज है, इसमें सिम डलती नहीं है। चाइनीज फोन है बेटा, इसमें सिम डलती नहीं है क्योंकि इसमें ई सिम है। अब ये चक्कर है, मजबूरी में रखना पड़ा नहीं तो मैं लेता ही ना कभी फोन। अच्छा, ये बात इतने दुखी हो। बाकी लेने के बाद, लेने के बाद का जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता नहीं सकता क्योंकि मेरे हथे अभी चढ़ा ही नहीं, अभी इधर है। अभी से चाचू का फोन आया, अभी रुको।